नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं निधि भारती, FMI न्यूज़ वालों तुहाडे सारे का स्वागत करती हाँ। असीं यूके दे संगत टीवी ते भी साडे सारे दर्शकों का स्वागत करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करांगे खास खबरां दे नाल। सुनील जाखड़ ने लगाए सुखबीर बादल ते इल्जाम, कहा जानबूझ के अकाली बीजेपी सरकार ने खरीदी महंगी बिजली, कहा 2935 करोड़ का घोटाला, आने वाले दिनों में कांग्रेस पैसे के लैण देन का करेगी खुलासा। पंजाब ब्राह्मण सभा ने आम आदमी पार्टी नूं दिता समर्थन, तां बठिंडा च पुराने वर्करां नूं नज़रअंदाज़ करन तों दुखी RTI विंग दे जनरल सकत्तर ने दिता अस्तीफा। फतेहगढ़ चूड़िया च आप दी रैली च नहीं पुजे नाराज चल रहे कन्वीनर सुच्चा सिंह छोटेपुर। राजपुरा च गऊ रख्या दी आड़ हेठ गुंडागर्दी करन वाले सतीश कुमार नूं पुलिस ने किया गिरफ्तार। पशु व्यापारियों नाल गऊ रख्या दी आड़ हेठ करदा सी गैर मनुखी तशद्दद, सोशल मीडिया ते पाउंदा सी कुटमार दी वीडियो। बोलन की स्वतंत्रता के अधिकार का मतलब देश विरोधी नारे नहीं, जम्मू कश्मीर के दौरे से पुजे अरुण जेटली ने पाकिस्तान से साधे निशाने। 57 मुल्कों ने पाकिस्तान का दिता साथ, भारत ने कहा साडे सबर का ना लो इम्तिहान। पंजाब कांग्रेस के मुख बुलारे ते साबका विरोधी धिर नेता सुनील जाखड़ ने एतवार बिजली दरां नूं लै के सूबा सरकार दे वड्डियां धांधलियां दे इल्जाम लगाए ते मौके ते कई सबूत भी पेश कीते। सुनील जाखड़ मुताबक पंजाब सरकार जानबूझ के बिजली महंगे दरां ते खरीद रही है, जदों कि बिजली कदे ज़्यादा सस्तियां दरां ते मुहैया है। इस दे नाल ही सुनील जाखड़ ने इल्जाम लगाया कि कोले दा रेट घटन दे बावजूद सरकार ने 5% रेट कोले दे रेटां ते वाधे दा हवाला दे के वधा दित्ते सन। देखिए, आज हमारा पंजाब सरकार के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि ओपन मार्केट के अंदर नेशनल ग्रिड के ऊपर बिजली खुद सरकार के अपने डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 2 रुपये करीबन 70 पैसे के हिसाब से बिजली इन्होंने प्रोजेक्ट किए जो अवेलेबल है, परंतु सरकार तलवंडी साबो जो प्राइवेट प्लांट है उससे 7 रुपये 10 पैसे के हिसाब से बिजली इस साल खरीद रही है, जो उन्होंने प्रोजेक्शन रेगुलेटरी कमीशन को दिए। और इसी तरह राजपुरा प्लांट से 4 रुपये 15 पैसे यूनिट के हिसाब से बिजली खरीद के पंजाब के लोगों के ऊपर जो बोझ डाला जा रहा है, आज पंजाब के लोग बिजली का बिल देख के उनको करंट लगता है, उस बात का जवाब आज हम सरदार सुखबीर सिंह जी बादल और PSPCL के चेयरमैन श्री चौधरी से चाहते हैं कि जब मार्केट में सस्ती बिजली उपलब्ध है तो पंजाब सरकार इन प्राइवेट पार्टी से इतनी महंगी बिजली खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट क्यों एंटर किया गया। हमारी मांग है कि इस मसले के ऊपर विधानसभा के अंदर पूरी एक चर्चा हो। और दूसरा इल्ज़ाम हमारा इनके ऊपर है कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो कोल की हैं, ओवरऑल एनर्जी प्राइसेस पिछले सालों जिस तरह क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम हुई उसी तरह कोयले की कीमतें जो कि 2015 के अंदर $50 से चल के करीब $42 और $40 के ऊपर पहुँच गई थी, और हिंदुस्तान में जो कोयला अवेलेबल है वो $26 के ऊपर करीबन 1800 रुपये में मिल रहा था, उसकी कीमत करीबन 4600 रुपये जो दिखाई गई है। कीमतें कोयले की बाज़ार के अंदर कम हो रही हैं, जबकि उसकी कीमत यहाँ पे ऊंची दिखा के पंजाब के लोगों को महंगी बिजली मुहैया करवाई जा रही है। जलंधर के नकोदर मलसिया रोड से बीते दिन तेज़ रफ्तार ऑर्बिट बस ने एक प्राइवेट बस नूं सीधी टक्कर जा मारी सी। घटना च 4 लोगों की मौत हो गई सी। मरण वालियां च जिन्ना जलंधर के गोपाल नगर का रहने वाला विनोद कुमार भी शामिल सी। अपने परिवारिक मैंबरां की हुई मौत तो बाद रिश्तेदारां ने वर्कशॉप चौंक च धरना लगा दिता, जिस च आप दे सीनियर मैंबर HS फूलका ने भी शिरकत की। परिवार वालों का कहना है कि बादल परिवार दीयां बसां ने सूबे च कहर टाया होया है ते इस दे खिलाफ रोस प्रदर्शन किया जा रहा है। आज एक और इंसिडेंट हुआ बादलों की बसेस से, 4 लोगों की हत्या की गई है। अभी 2 दिन पहले लुधियाना में 2 लोग कुचल के मार दिए थे, और ये रोज की रोज ये बादलों के अपनी बसेस से ये हो रहा है। ये बसेस इतनी तेज चलती हैं, कभी भी रेड लाइट पे रुकते नहीं, कभी किसी पुलिस वाले की जरूरत नहीं कि इनका चलान कर दे, इनको रोक ले। तो ये लगातार रोज का काम है, यहाँ पे इन्होंने जाके किसी ना किसी को कुचलना, किसी ना किसी को मारना, अब ये यहाँ पे हुआ है। ये बादल अपनी ऑफिशियल पोजीशन है। बीते दिन लुधियाना के बद्दोवाल च प्यो पुत्र से चढ़ी बस के मामले च सुखबीर सिंह बादल वालों दिते गए गैर जिम्मेवाराना बयान की कांग्रेस से आम आदमी पार्टी ने निखेधी की है।
कांग्रेस ने कहा है कि सुखबीर सिंह बादल नू सत्ता दा हंकार है ते भगवंत मान ने कहा है कि लोग आने वाले दिनों च सुखबीर बादल नू जवाब देंगे। यार कोई तोर काम भी गल कर ले करो यार कोई तोर काम भी गल कर ले करो बेपरवाही से मैं समझता हूँ अहंकार झलक रहा है, चाहे वो इनकी बस सर्विस के ड्राइवर कंडक्टर्स हैं, चाहे सरकार के मंत्री हैं, सबके अंदर से सत्ता की बू आ रही है इनको, और इनको जो अहंकार है वही मैं समझता हूँ इस सरकार का पतन का कारण बनी। देखो बड़े अफसोस की गल है कि डिप्टी मुख्यमंत्री ने पूछा गया कि तुहाडी बस दे थल्ले आ के दो बंदे मर गए, कहिंदे यार कोई काम दी गल कर ले, इहदा मतलब पंजाबियों की जान जिहड़ी है वह उन्हां दे काम की नहीं हैगी, इन्हां दियां बंदे खाणियां बसां ये सत्ता के नशे चलाउंदे ने, क्योंकि उन्हां नूं पता है पुलिस समझौता करा दूगी, पुलिस कदें समझौता कराउंदी देखी, पुलिस समझौता कराउंदी फिरदी है, ये साडियां जानां की कीमत पाउण लग गए, 25 लाख ले लो जी, 20 लाख ले लो छोटे उपरे मर गया फिर की हुंदा, सो ये सानूं कीड़े मकौड़े समझदे, असल च आम लोग इस गल तो दुखी ने, इन्हां दी बसां ही क्यों इदां एक्सीडेंट करदियां, इट मीनस समथिंग रोंग, मैं तो कहना दफा 302 लगनी चाहिए है, क्योंकि 304 ए एक्सीडेंट एक बारी हुंदा है, जो तुसी हिस्टरी देख लो इहदा मतलब नहीं सुधरना चाहते, इहदा मतलब कतल नहीं, सो यह रोड टैररिज्म है, और उत्तों जिस वेले मोगे वाली घटना हुई सी हरसिमरत कौर पार्लीमेंट च खड़ के कहिंदी सी मैनूं तां पता नहीं ऑर्बिट की दी है, फिर असीं दस दिंदे ऑर्बिट की दी है, जो फिर ऑर्बिट दे करोड़ा बजदा है जां ऑर्बिट नूं जला दिंदे ने फिर सारियां बंद कौन कर दिंदे, मालिक कौन है ये पता नहीं, बादल साहब नूं भी नहीं पता कौन है, कोई गल नहीं 2017 च लोग दस देणगे की दी है। ਐਤਵਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਪਰਾਸਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਆਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰਾਸਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸੰਤ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੋਕ ਤਰਾਹੀ ਤਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਤਰਾਹੀ ਤਰਾਹੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ 500 ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਤੀ ਉਹ 5000 ਦੀ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੇ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ RTI ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਹਰਮਿਲਾਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਮਿਲਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਮਿਲਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਸੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਸਾਥ ਜੁੜਾ ਹੂੰ, ਐਕਟਿਵ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਮੇਂ ਜੋ ਟਿਕਟ ਕਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਮੇਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਛੋੜੋ, ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਪੂਰੀ ਮੇਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਇਹਨੋਨੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੋ ਯੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੋ ਦੇਖਤੇ ਹੋਏ ਅਬ ਦਮ ਘੁਟਨੇ ਲਗਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਂ, ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟ ਸੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਔਰ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਟੀਮ ਇਨਸਾਫ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਯੇ ਜੋ ਫੋਰਥ ਫਰੰਟ ਇੱਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੇਸ਼ਕ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੇ ਭਟਕ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਮ ਆਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਹਿੱਤ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੇਂ ਉਸੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੇ ਸਾਥ ਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਹਿੱਤ ਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਤੇ ਰਹੇਗੇ, ਤੋ ਮੈਂ ਉਸ ਚੌਥੇ ਫਰੰਟ ਕੇ ਸਾਥ ਮੇਂ ਉਨਕੀ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ
बकायदा पंजाब के हित में लड़ता रहूंगा। उधर गुरदासपुर दे फतेहगढ़ चूड़ियां तो आम आदमी पार्टी दे उम्मीदवार गुरविंदर सिंह शामपुरा ने एक रैली की, जिस विच पार्टी दे कन्वीनर सुच्चा सिंह छोटेपुर की गैर हाजिरी सब नू रड़क दी रही। बेशक पार्टी नेतावां ने मामले ते कह के मिट्टी पाउण की कोशिश की कि छोटेपुर मोहाली च एक मीटिंग दे विच ने, पर छोटेपुर की गैर हाजिरी अपने आप च अजकल काफी चर्चा का विशा बनी हुई है। रैली दौरान जिथे वर्करां नू चोण प्रचार दे ढंगा बारे दस्या गया, उथे शामपुरा ने अपनी जित का दावा भी ठोकिया। मैनू तो लोगों का रिस्पोंस ही इतने लैके आ गया, क्योंकि लोग चाहते थे कि हुण इनकलाब जिहड़ा इतने आया उहदी जिहड़ी एक विचारधारा दे नाल अरविंद केजरीवाल साहब की विचारधारा दे नाल सारयां नू जोड़ रहे हैं और सरगर्मी इतने शुरू होवे, ये लोगों का इनविटेशन सी। और जो मैं इतने देख रहा मैनू लगता कि दुआबे और मालवे नालों भी इतने स्ट्रोंग लोगों के विचारधारा इस वेले आम आदमी पार्टी की। सुच्चा सिंह छोटेपुर जी से वार्तालाप हुई, सुच्चा सिंह छोटेपुर जी चंडीगढ़ के अंदर थे, मोहाली में एक मीटिंग थी, उसके अंदर मीटिंग में जाना था, नहीं तो वो यहाँ पे फतेहगढ़ चूड़ियों के अंदर कार्यक्रम में बिल्कुल आते। हमारे बीच में कोई गुटबंदी नहीं है, पूरा एक परिवार है, सारे के सारे लोग अरविंद केजरीवाल के विचारधारा के साथ चल रहे हैं और अरविंद आम आदमी पार्टी के बैनर के साथ चल रहे हैं, चाहे वो सुच्चा सिंह छोटेपुर जी हो, चाहे वो भगवंत मान जी हो, चाहे वो गुरप्रीत गुग्गी जी। उधर चंडीगढ़ दे विच मौजूद रहे चोन प्रचार कमेटी दे चेयरमैन भगवंत मान ने पार्टी च पाए जा रहे वर्करां दे हालातां ते छोटेपुर दी नाराजगी ते सफाई पेश कीती। अज पंजाब ब्राह्मण सभा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है और इस बाबत भगवंत मान उन्होंने उन्होंने ज्वाइन कराया। मान साहब किन्नी अचीवमेंट मानते हो ये जी ब्राह्मण सभा, क्योंकि वो पहला कांग्रेस नू उस तो पहला अकाली दल नू भी सपोर्ट कर चुके ने। देखो अचीवमेंट वाली गल नहीं, देखो समाज का हर वर्ग जिहड़ा कोई NGOs भी आ रही ने साडे कोले, नॉन पोलिटिकल फर्मां भी आ रही ने, वो मिशन पंजाब लेके चले हैं। असी कोई लाल बत्तियां जां MLA दी सीटां नूं इहदे नाल ना जोड़ो, और बजुर्गों का आशीर्वाद भी चाहिए है। और आम आदमी पार्टी वैसे धर्मां दी राजनीति बिल्कुल नहीं करती, असी धर्म निरपक्ष पार्टी है, असी नहीं कहिंदे कि धर्म के नाते जिहड़ी है कोई वोट मंगनी चाहिए जां राजनीति, धर्म अपना निजी है, तुहाडा जिहनूं मर्जी तुसीं अपना सकते हो। सो मैनूं उम्मीद है कि समाज का हर वर्ग जो इकट्ठा होगा तो पंजाब जिहड़ा अंदोलन जिहड़ा असी छेड़िया होया उहदे च सानूं बल मिलेगा। सो मान साहब कितने ना कितने जिहड़े पार्टी च 4 या 6 महीने पहले ज्वाइन कर रहे हैं पर उस चीज़ तो उन्होंने टिकट भी दिता जा रहा है, कितने ना कितने जिहड़े होर वर्कर ने जिहड़े शुरू तो नाल जुड़े हुए हैं कितने ना कितने वो नाराज़ नहीं होने लग। नहीं देखो गल ये है, लोग सभा दे विच सहमति सहमति चलती रहती है, शिकवे शिकायतें चलदिया रहिंदियां, पर खुल दिली दी राजनीति आम आदमी पार्टी करती है, दरवाजे बंद नहीं करने, फौज वांगू पार्टी चलती है, डिसिप्लिन है, जो हुक्म ने जो ऑर्डर ने हाई कमांड दे वो सानू सारयां ते लागू हुंदे ने, ते इस करके मैनू नहीं लगता कि कोई इस तरह की नाराजगी है। तुसीं आम लोगों नू जाके पुछो, वो इस गल्लों दुखी ने कि आ माफिया राज आ गुंडागर्दी दा राज आ जिहड़ा ड्रग्स दे विच नशियां दे विच जिहड़ा साडे यूथ नू धक्कता कैंसर मार गया, मतलब इत्थों तक कि डेड बॉडी मंगाउणा भी बाहरले मुल्क चों इक कम बना दिता गया पॉलिटिशियंस द्वारा कि साडा कम है जी इक। सो मिट्टी भी साडी जिहड़ी रुली जांदी है बाहरले मुल्कां च। सो मैनूं लगता कि आम आदमी पार्टी नू लोक एक चेंज दे वजों देख रहे हैं। सो छोटेपुर की नाराजगी पार्टी ने दूर की, क्योंकि वो खुले तौर पर पहले कह चुके हैं कि वो अपनी जी नाराजता है वो केजरीवाल को दसनगे, पर केजरीवाल के उन्होंने टाइम नहीं दे रहे उन्होंने तक। इस तरह की कोई गल नहीं, साडे स्टेट के कन्वीनर ने, वो हर रोज़ कोई किसी ना किसी स्टेट का कन्वीनर अरविंद जी को जाता है अपने स्टेट की पोलीटिकल जानकारी या कोई सुझाव रखते हैं। सो एनी टाइम छोटेपुर साहब जा सकते हैं, वो साडे नेता ने। सो कल संत लौंगोवाल की बरसी सी, तो उत्थे जिहड़े CM मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि जिहड़ी बीमारी लगी आम आदमी पार्टी की संगरूर तो लगी है। सब तो पहली गल तो मुख्यमंत्री साहब का बहुत धन्यवाद कि पहले तो मानते ही नहीं सी, संगरूर जिस वेले सुखदेव सिंह ढींडसा की कंपेन कर गए थे उस वेले कहें कि हसाउण जे वाला मुंडा भी खड़ा हो गया, लोग इन्हां नूं वोटां नहीं पाते होंगे, तो जो 2.25 लाख से जित गए उस तो बाद कल मन्निया पहली बार कि यह बीमारी आम आदमी पार्टी एक बीमारी कहा उन्होंने, ये बीमारी संगरूर तो शुरू हुई है। मैं कहना चाहना वो बुजुर्ग ने बादल साहब, ये संगरूर तो जी शुरू हुई है बीमारी नहीं, ये इलाज है जिन्हें थोड़े वर्गियां जोकां चिंबड़ियां मुल्क नू देश नू कौम नू ये उन्हां तो निजात दवाउण वास्ते ये इलाज है, कल्ले पंजाब च नहीं सारे मुल्क च फैलूगा। सो दो दिन हो गए, कल नकोदर नेड़े जिहड़ा ऑर्बिट ने और उस तो पहला बद्दोवाल नेड़े जिहड़ा डब वाली ट्रांसपोर्ट ने जिहड़े जानां लईयां ने, और उस तो बाद जदों पत्रकार पुछदे ने सुखबीर सिंह बादल नूं कि तां वो जवाब देने तो इनकार कर देंदे ने, कहिंदे ने कि कोई मतलब की गल करो। मैं कहना यार सुखबीर बादल बारे तू भी ना पुछ, तू भी मतलब की गल कर यार, वो बारे की टाइम खराब करांगे आपां, वो तो कुछ भी कहिंदा अगले दिन भी नहीं सोचता भी मैं कल की कहा, कोई होर गल करो।
ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਸਿਫ ਫਾਰੂਕੀ, ਫਰੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਲ ਦੇ ਆਪ ਬਣੇ ਮੁਖੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਣੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਦਿਆਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੰਘੀ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਤੀਸ਼ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 377 ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗਊ ਭਗਤਾਂ 'ਤੇ ਗਊ ਰਕਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ FIR ਨੰਬਰ 191 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 382, 377, 384, 148, 149 EPC ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਕਪਿਲ ਇਲਿਸ ਗੌਰੀ ਅਤੇ ਅਨੂ, ਦੋਨੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਨਾ ਧੜਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਨਵਾਂ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 605 ਪਾਉਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਲਾਇੰਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਅਲਾਇੰਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭੱਖ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਵੀ ਹਾਥ ਹੈ, ਅਲਗਾਵਵਾਦੀਓ ਕਾ ਵੀ ਹਾਥ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਾਕਤੋ ਕਾ ਵੀ ਹਾਥ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਏ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਏਕਤਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਕ੍ਰਮਣ ਕੀਆ ਜਾਏ। ਹਮਾਰੇ ਲੀਏ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਮੇ ਆਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇ ਸਾਥ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਏਕਤਾ ਕੇ ਸਾਥ ਕਭੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਆਜ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਅਲਗਾਵਵਾਦੀਓ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੇ ਜੰਮੂ ਕਾਸ਼ਮੀਰ ਕੀ ਜਨਤਾ, ਜੰਮੂ ਕੀ ਵੀ ਔਰ ਘਾਟੀ ਕੀ ਵੀ ਜਨਤਾ
वो देश के साथ लाकर खड़ी की जाए। और ये जो एक और दौर उस युद्ध का पाकिस्तान इस प्रकार के तरीकों के साथ लड़ने की कोशिश कर रहा है, इसको भी इस बार हम पराजित करके दिखाएं। कश्मीर मामले ते हुन पाकिस्तान नू 57 देशां दा साथ मिल गया है। दरअसल 57 मेंबर वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन दे जनरल सकत्तर इयाद अमीन मदानी ने कहा है कि भारत कश्मीर विच हो रहे मनुखी अधिकारां दा उल्लंघन भारत दा अंदरूनी मामला नहीं है। दुनिया विच मुसलमान देशां दे सब तो वड्डे संगठन ने कश्मीर विच कथित तौर ते मनुखी अधिकारां दे उल्लंघन ते चिंता जाहिर कीती है। इस बयान ते प्रतिक्रिया दिंदिया गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान वल्लों भारत दे सबर दा इम्तिहान ना लिता जावे। जिक्रयोग है कि मदानी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ दे विदेश मामलों दे सलाहकार सरताज अजीज दे नाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करदिया कहा सी कि कश्मीर विच हालात लगातार खराब हो रहे ने अते इस ते इंटरनेशनल कम्यूनिटी नूं ध्यान देना चाहिदा है। उन्हां कहा कि कश्मीर दी समस्या दा हल सियासी पद्धर ते होना चाहिदा है। खबरां दे इस बुलेटिन च फिलहाल इन्ना ही। इजाजत दिओ, धन्नवाद।